मेहरबानी खुसूसी आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि और इस विशाल आयोजन के साथ प्रायोजक हमारे भागीदार। हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि इनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम का आयोजन अधूरा है। आप ये देखिए, पाँच दिन से हमारे तमाम गेस्ट आ रहे हैं, अभी भी हैं। हमारे गर्ग साहब ने एक नया होटल बनाया है, MM कॉन्टिनेंटल होटल, उसका अभी इन्होंने इनॉग्रेशन भी नहीं किया था, उसके पहले ही इन्होंने हमको प्रोवाइड किया, क्योंकि ये इस कस्बे की, इस इलाके की इज्जत का मामला था। इन्होंने बेहिचक हमको कमरे अलाट किए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं गर्ग साहब आपके। रामलीला क्लब आपका बहुत आभारी है, आपने उसके अतिरिक्त भी हमें बहुत सहयोग दिया है। हम सब बहुत मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं आपके कि आप हमारे क्लब को सरपरस्ती बख्शी आपने, और हमारे गेस्ट को, जितने भी लोग आए थे यहाँ, हंसराज हंस क्या, आपके प्रीत हरपाल, जितने भी जादूगर, उनका स्टाफ, सबको इन्होंने अपने होटल में जगह दी और ठहराया और उनकी इज्जत की। हर तरह का पूरा सहयोग गर्ग साहब ने दिया है। और तरसेम जी, जितना बराड़े के रामलीला क्लब का नाम है, उससे कम नाम हमारे तरसेम साहब का, उनके इंस्टीट्यूशन का नहीं है। आज दुनिया का एक जाना माना इंस्टीट्यूशन है इनका, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, एक बहुत बड़ा होटल, एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी। इस इलाके में जहाँ जंगल था पूरा, वहाँ इतना बड़ा इन्होंने वो अपना बना रखा है इस्टेब्लिशमेंट। इसके लिए जाहिर है इस इलाके का तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो आज इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है, हमारा क्लब इनका स्वागत करता है। हमारे मुकेश चौहान, नितिन बंसल, राजेश सिंगला जी, ये सब हमारे क्लब के सब खास लोग हैं, ये सब इनका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ही देर में अब ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर जा रहा है और समाप्त होने वाला है। चेयरमैन साहब आ गए हैं, बस चंद ही लम्हों में, अभी वो रावण का युद्ध वहाँ चल रहा है, भगवान राम का, रावण की सेना के साथ, वो ख़त्म होने को है। चेयरमैन साहब यहाँ भीड़ की वजह से आने में इनको देर हो गई, इतना बड़ा मजमा यहाँ इकट्ठा हो गया है। आप सब हमारे मेहमान हैं, कृपया बहुत शांति, बहुत धैर्य बनाए रखें, कोई किसी के साथ धक्का मुक्की ना करें। वेलकम है आपका, आप सब इस आयोजन को देख रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है ये आयोजन, और बहुत खुशी की बात है। आप सब आए हुए हैं, तरसेम गर्ग जी आ चुके हैं, हम सब इनका इस्तकबाल करते हैं। 195 फुट ऊंचा रावण, दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, ये अभी आपके सामने नजरियातिश किया जाएगा। रावण दहन हमारे मुख्य अतिथि अपने हाथों से करेंगे। और ये गत कई वर्षों से इस रामलीला क्लब बराड़ा को अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। संजीव गर्ग जी डायरेक्टर हैं MM विश्वविद्यालय के, वो भी गर्ग साहब के साथ आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, आपके भी हम आभारी हैं। हमारा सौभाग्य है कि 2009 में संजीव गर्ग जी जब अकेले आए थे और उस वक्त इन्होंने रावण दहन किया था, तो उसको हमें लिम्का रिकॉर्ड उस आयोजन को मिला था और वो भी लिम्का रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। उसके बाद गत वर्ष तरसेम गर्ग जी के हाथों से जो रावण का पुतला जलाया गया, उसे भी हमें लिम्का रिकॉर्ड मिला, और उन्हीं पवित्र हाथों से, उन्हीं पावन हाथों से आज मैं फिर 195 फुट ऊंचे रावण का पुतला नजर आतिश करवाने जा रहा हूँ, रावण दहन होने जा रहा है उसका, जिसे कि हमें पूरी उम्मीद है कि इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होगा, और वो शुभ काम तरसेम जी के हाथों से होने जा रहा है। आज अभी इसी ऑडियंस के सामने, लाखों लोगों की भीड़ के सामने, आपके सामने, हमारे सबके सामने, ये दुनिया के सबसे ऊँचे रावण की पृष्ठभूमि में इतना विशाल आयोजन चल रहा है। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी लंबाई छोटी हो गई है इस रावण के विशाल पुतले के आगे। देश के सभी टेलीविजन चैनल इसको प्रसारित कर रहे हैं, कई चैनल्स ने इसको आधे आधे घंटे के प्रोग्राम इसके प्रसारित किए हैं, गत 4-5 दिनों से कर रहे हैं। BBC लंदन पर इसका जिक्र चल रहा है, डिस्कवरी में आई थी इस आयोजन को रिकॉर्ड करने के लिए, फीचर फिल्म में इस आयोजन का कुछ हिस्सा जो है वो शामिल किया जा रहा है, उसके भी लोग आए हुए हैं। पिछले 7 दिनों से वो लोग यहाँ ठहरे हैं और इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बॉम्बे से लाइट और कैमरा बॉम्बे से मंगाया गया है, गिनीज लाइट साउंड अम्बाला की इसमें अपनी सेवा दे रही है, और एक फिल्म इंडस्ट्री की जो लाइट है वो हमारी विशेष लाइट है, वो दिल्ली से आई हुई है, और उसके कैमरे जो है वो भी दिल्ली से आए हैं, और उसको ऑपरेट करने वाले लोग, उसको डायरेक्ट करने वाले लोग बॉम्बे से आए हैं। करीब 15 आदमी की टीम हमारी बॉम्बे और दिल्ली से आई हुई है, लाइट और कैमरा ऑपरेट कर रही है।
तो इस विशाल आयोजन में आप लोग आए हैं, इसके साक्षी हैं और इस दुनिया के सबसे ऊंचे रावण का दहन होते हुए देख रहे हैं। इसलिए हमें आपसे गुजारिश है कि कृपया हमें पूरा सहयोग दें। इतना बड़ा मजमा एक साथ खड़ा हुआ देखकर हमें आनंद भी आ रहा है, हमारी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। इसलिए हमें कोई इस तरह का कोई गिला शिकवा ना हो आपसे, आपको हमसे ना हो, हमारे आयोजकों से कोई तकलीफ ना हो आपको, हम ऐसा ही चाहेंगे। और आज विजयदशमी के दिन हम चाहेंगे आप सब बहुत शांति से, बहुत उत्साह से, बहुत प्यार से इस आयोजन को देखकर अपने घर पहुँचे, सुरक्षित घर पहुँचे। और अगले साल फिर हमें आशीर्वाद दें कि हम इससे बड़ा रावण का पुतला आपके सामने पेश कर सकें। और ऐसा ही 5 दिवसीय कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम जैसा इस साल पेश किया, अगले साल भी हम प्रस्तुत कर सकें। अब कुछ ही लम्हों में तैयारी हमारी हो रही है, रिमोट का सिस्टम सेट किया जा रहा है और अभी कुछ ही लम्हों में आपके सामने ये रावण दहन का कार्यक्रम सम्पन्न हो जाएगा और हम अगले साल की तैयारी में लग जाएंगे।